नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दर्शकों को रक्षाबंधन के महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले ये जानेंगे आज कि रक्षाबंधन के पर्व का महत्व क्या है और इस बार रक्षाबंधन के पर्व को लेके उसकी तारीख को लेकर दुविधा क्यों है। बात करेंगे रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के तरीके की भी। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है उसे रक्षाबंधन कहते हैं। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहने अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों की जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था और इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधकर उनकी मंगल कामना भी रक्षाबंधन के दिन की जाती है। इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं, इसीलिए इस दिन शिक्षा का आरंभ करना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। बात करेंगे कि इस बार रक्षाबंधन की तारीखों में किस तरह की समस्या है और रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग भी दिख रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, दोपहर के बाद धन लाभ के योग बनते हैं, कोई रुका हुआ काम भी शाम तक आपका पूरा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चीजें ठीक रहेंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन को मनाने का क्या भ्रम है, रक्षाबंधन कब मनाएंगे। देखिए, रक्षाबंधन मनाते हैं श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इस बार पूर्णिमा 30 अगस्त को सवेरे 10:59 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 31 अगस्त को सुबह 7:05 के बीच में। 31 अगस्त को पूर्णिमा सूर्योदय के बाद 6 घटी यानी 2:24 से कम रहेगी, इसीलिए 31 अगस्त को उदया तिथि की पूर्णिमा मान्य नहीं होगी, इसीलिए 30 अगस्त को ही पूर्णिमा मानना उचित होगा। अब 30 अगस्त को भद्रा भी है, सुबह 10:58 से रात के 9:01 के बीच में।
भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता, इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को रात में 9:01 के बाद ही मनाना उचित होगा। आप पूरी रात मनाइए, लेकिन सूर्योदय के बाद 31 तारीख को नहीं मनाएंगे। शास्त्र कहता है कि बहुत जरूरी होने पर भद्रा के पुच्छ काल में यानी शाम को 5:32 से 6:32 के बीच में भी राखी बांधी जा सकती है। रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे कैसे ये भी जानेंगे, लेकिन इसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। अविवाहितों के विवाह के योग फिलहाल बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य के योग दिख रहे हैं, लेकिन आज के दिन चोट चपेट से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे कैसे। बहने एक थाल ले ले, थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी जला कर रखें, जिससे आप भाई की आरती करेंगी। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को अर्पित करिएगा, इसके बाद भाई को अपने बैठाइएगा, उसका चेहरा पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें और फिर भाई की आरती करें। इसके बाद मिठाई खिलाएं अपने भाई को और भाई की मंगल कामना करिएगा। अब ये जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। मकर राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, करियर में अच्छी सफलता के योग बनते हैं, धन संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। भगवान गणेश की उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता से बचाव करें, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय।
आज प्रातः काल उठ करके नहा करके भगवान गणेश को थोड़ी सी दूर्वा यानी दूब घास अर्पित कर दीजिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आज प्रातः काल या दिन के समय में आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।